नमस्ते छात्रों, मैं JVN कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस। छात्र, आज हम संस्कृत में प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय की परिभाषा है धातु या शब्दों के बाद में होने वाले वर्ण या वर्ण समूह है, जो अर्थ को परिवर्तित या विशिष्टता संपादित करने का सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्ययों का प्रयोग शब्द या धातु के बाद किया जाता है प्रत्यय प्रश्च। प्रत्ययों का सामान्य विभाजन धातुओं से होने वाले प्रत्यय, शब्दों से होने वाले प्रत्ययों से किया जाता है। आइए चलो आगे, अब हम देखते हैं कि प्रत्यय कितने होते हैं। मुख्यतः प्रत्यय दो हैं, धातु से होने वाले प्रत्यय, शब्दों से होने वाले प्रत्यय। इनका भी आगे विभाजन किया गया है। धातु से होने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं? तिंग संबंधी प्रत्यय और तिंग भिन्न कृत प्रत्यय। शब्दों से होने वाले प्रत्यय, शब्दों से होने वाले प्रत्यय हैं तद्धित प्रत्यय, अपत्य, पुत्र, भव आदि। ये क्या हो गए, ये शब्दों से होने वाले प्रत्यय हैं। उसी तरीके से स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय में कौन कौन से होते हैं, जो स्त्री संपादित करते हो। नी प्रत्यय, नीश प्रत्यय, ना प्रत्यय, चा प्रत्यय, ऊं, ती, ये कौन से हो गए, स्त्री प्रत्यय हो गए। उसी तरीके से तिंग प्रत्यय, तिंग प्रत्यय है तिंग संबंधी प्रत्ययों से। ये तिंग आप लोग देख रहे हैं, तिंग प्रत्यय तिप तस्जी सिप थस्ते मिप वस्मस तयाताम झ इड वहिं महिं। ये टोटल 18 प्रत्यय हैं जो तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। उसी तरीके से सन और यंग, ये क्या प्रत्यय हैं, जिसमें प्रत्यय के बाद भी पुनः धातु संज्ञा करनी पड़ती है। विकरण प्रत्यय, धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच लगने वाले प्रत्यय, जैसे जुहात्यादि श्लू कयादि गण में होता है। छात्र, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय भी कितने होते हैं, सात। कृत प्रत्यय में तव्यत, अनियर, यत, नयत, के प्रत्यय होते हैं। फिर पूर्व कृत्य प्रत्यय में होता है नवुल, त्रिच, कत, कतवतु, क्षत्रि, सानच, ल्यु, नीणी, कितन। उसी तरीके से उत्तरकृत प्रत्यय में होता है तुमुन, घय, ल्यूट, कत्व, ल्यप। उसी तरीके से तद्धित प्रत्यय के भी प्रत्यय हैं मतुप प्रत्यय, तल प्रत्यय, तमप प्रत्यय, तरप प्रत्यय, इष्टन प्रत्यय, यसुन प्रत्यय और मयुट प्रत्यय। छात्रों, कल हम कृत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे।